भाई जी, भाई इधर देखिए, बोतल डिब्बे में नहीं मिलेगा तो क्या लेके आए? दोस्तों अगर आप मंदिर जाते हो तो आपको यही डर लगा रहता है कि हमने जो चप्पल बाहर खोला है वो हमारा चप्पल ना कोई चोरी कर ले, लेकिन हम भारतीय है, सब चीज का जुगाड़ रखते हैं। इसे देखिए, खैर ये तो फिर भी ठीक है, पर अब आप इसे क्या कहेंगे? मारो मुझे साला चोरी करने वाला चोर भी सोचेगा कि इसका चप्पल चुरा या लो। अब इसे देखिए, भाई के बाइक का हॉर्न खराब हो गया था तो इन्होंने साइकिल की घंटी ही लगा ली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हम मनुष्य या किसी भी जीव जंतु का अस्पताल देखा होगा, पर क्या कभी जीतों का अस्पताल देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए, ऐसे ही जख्मी जीतों का अस्पताल, डॉक्टर नरसिंह। ओ भाई, इन्होंने तो अपने नाम के आगे भी डॉक्टर लगा लिया है। और सबसे नीचे तो देखो, हमारे यहाँ सभी प्रकार के जूते व चप्पल का इलाज जर्मन तरीके से किया जाता है। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, बट आज देख लीजिए कि दीवारों के कैसे कान होते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम, मैं जगन्नाथ हूँ, प्रेमानंद ने, ये क्या हुआ? अब इस जुगाड़ को देखिए। भारत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। इस भाई ने तो पूरी रोल्स रॉयस का ही जुगाड़ कर लिया। लोग जहाँ रोल्स रॉयस के सपने देखते हैं, वहाँ इस महाशय ने अपने जुगाड़ से पूरी जनता को हिलाकर रख दिया। अब आप ही बताइए, कुछ कमी लग रही है क्या इसमें? जुगाड़ ऐसा कि आंखें भी धोखा खा जाए। अब जो जुगाड़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, यह जुगाड़ रील बनाने वाले लोगों के बहुत ही काम आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। Yes. No. क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। वाह दीदी वाह, इस जुगाड़ से अपने हजारों लाखों लोगों को आइडिया दे दिया। अब आप भी लग जाइए इस तरह का रील बनाने में। बस इन्हीं सब कारणों से तो हमारा भारत देश काफी आगे है।